उसके बाद अडेप्टेशन को देख लेते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी ये है, एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना फिजिकली या मेंटली, वो अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाना अडेप्टेशन है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड थ्राइव, सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए। इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें, अडेप्टेशन रेफर टू द चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स फिजिकल आर बिहेवियरल ट्रेट्स दैट इंप्रूव इट्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल। उसकी जो फिजिकल या बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो उसकी क्या कहलाती है, अडेप्टेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अ स्पीशीज ऑफ बर्ड माइट डेवलप लॉन्गर बीक्स, जैसे हमने वो जो डार्विन वाली थ्योरी के अंदर देखा था कि अ बर्ड माइट डेवलप लॉन्गर बीक्स, वो अपनी लंबी चूंचों को डेवलप कर लेते इन ऑर्डर टू एक्सेस फूड सोर्सेज दैट आर अदरवाइज इनअसेसिबल। मतलब कि उन उस फूड को असेस करने के लिए जो छोटी चूंच के साथ असेस नहीं किया जा सकता, तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी चूंचों को बड़ा कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ वो क्या था, नेचुरल सिलेक्शन, और क्या था थ्योरी का नाम, क्या था, एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वही वाली बात है, तो उसमें अडेप्टेशन आती है। सिमिलरली एनिमल्स में अडेप्ट टू चेंजेस इन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बाय ग्रोइंग थिकर फर। अब वो टेम्परेचर में उसने एडजस्ट करना होता है जानवरों ने, तो वो आप देखेंगे कि जो गर्म इलाके होते हैं वहां पर जानवरों की बॉडी आपको और तरह से मिलती है, जो सर्द इलाके हैं वहां पर आपको जानवरों की बॉडी पे बाल मिलते हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एडजस्ट कर रहे होते हैं। चेंजिंग देयर माइग्रेशन पैटर्न्स एंड डेवलपिंग न्यू बिहेवियर्स दैट हेल्प देम टू कोप विद न्यू कंडीशंस, मतलब कि अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट वो चेंज कर रहे होते हैं ताकि वो कोप कर सकें। इन साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी की बात करें, अडेप्टेशन कैन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू चेंजेस इन वन्स एनवायरमेंट सच एज अडेप्टिंग टू अ न्यू जॉब और न्यू सोशल सिचुएशन। In this context, adaptation involves modifying one's thoughts, behaviors or emotions. हमारे काम की चीज, cognitive हमारी development चल रही है ना, तो उसके according कि जब आप अपनी thoughts, behavior और emotions को change करते हो according to environment, उसको adaptation कहते हैं। Adaptation is a crucial process for the survival and well-being of the both individual organisms and entire species. वो कहते हैं ये बहुत जरूरी होता है हमारी survival के लिए। And it plays an important role in both biological and psychological processes. वो दोनों में अपना role play कर रही होती है। Adaptation involves two complementary processes, assimilation and accommodation. Adaptation को तो हमने लेके environment के according adjust करना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चूंकि हम cognitive development कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे cognitive process की बात होगी कि जब हमारे सामने कोई, हम किसी चीज को experience करते हैं, नई इंफॉर्मेशन आती है, या जब हमारे सामने कोई चीज आती है जिसको हमने समझना होता है, अगर तो हम उसको समझ जाएं तो वो अडेप्टेशन होती है, अगर हम उसको नहीं समझ पाते तो वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, अब हमारी जो डेवलपमेंट इसी तरह से होती है कि हमने अडेप्ट करना ही करना होता है। अगर वो स्कीमा के अकॉर्डिंग हम अडेप्ट करेंगे, अगर तो हमारे पास उस चीज के अकॉर्डिंग स्कीमा पड़ा हुआ है, मुतलक स्कीमा पड़ा हुआ है, तो हम अडेप्ट कर जाएंगे इजीली। अगर स्कीमा नहीं भी पड़ा है, ठीक है, अब अगर तो स्कीमा पड़ा फिर तो हमें मसला होगा ही नहीं, लेकिन अगर स्कीमा नहीं पड़ा तो फिर क्या करते हैं, हम एक नया स्कीमा बना लेते हैं उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए, एक नया स्कीमा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर पहले आपने बिल्ली देखी थी, ठीक है, बिल्ली देखी और बिल्ली का आपने स्कीमा बना लिया, अगली दफा आपने देख लिया कुत्ता, ठीक है, डॉग को देखा, अब वहां उसका स्कीमा आपके पास मौजूद नहीं, अब आपका स्कीमा मैच भी नहीं कर रहा, फिर आप क्या करते हो, अब वहां पर आ जाती है डिसबैलेंस आ जाता है, अब आप उसके अकॉर्डिंग एक नया स्कीमा बना लेते हो, ठीक है। इस तरह से हम अडेप्ट करते चले जाते हैं, जैसे जैसे नई चीजें, नए एक्सपीरियंस होते हैं, वैसे वैसे हम कॉग्निटिवली अडेप्ट करते चले जाते हैं।